मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रणाम, मैं हूँ राम पटेल, महाशिल्प कलाकार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राम बेम्बू आर्ट पर। पिछले संपूर्ण कथा में हमने रामचरितमानस का बालकांड का संपूर्ण बांस शिल्प कला से मनमोहक झांकी का प्रस्तुति देखा। आगे की कथा हम अयोध्या कांड से शुरू करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु वरु वचन न जाई। अर्थात रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। सुनहु प्राण पिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। अर्थात माता के कई बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को रास तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुन मृदु वचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुवत विकल जिम कोकु। अर्थात तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय ऐसा शोक हुआ जैसा चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। लोग विकल मूर्छित नर ना हो, काह करी कछ सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेशु बनाई, चले जनक जननी सिर उनाई। अर्थात राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। राम वियोग विपल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मन उचित लिख काढ़े। नगरु सफल बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। सोबनु शैल सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवने विदितासु, सुख सागर जह किन्ह निवासु। अर्थात वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रह आई। कही न सकही सुषमा जसि कानन, जौ सत सहस होई सहसानन। अर्थात क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे हैं, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको 1000 मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते। आज के लिए इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल राम बेम्बू आर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सिया राम।